हमारे विधायक जी शुभारंभ कर रहे हैं आज, ये देखिए इस कुटार के स्टेडियम में गोल के पास तक पहुंचा है मगर गोल नहीं हो पाया है सर। विधायक जी खेल का शुभारंभ किए थे, उसी तरह से आज खेल का समापन भी हमारे देवसर विधानसभा के विधायक सम्मानित सुभाष रामचंद्र के द्वारा खेल का समापन भी हो रहा है। उन्होंने अपने पैरों द्वारा गेंद को उछलान करेंगे, देखिए आप देखना होगा हमारे स्लिप कर जाएगा, हट जाए सामने अब देखना होगा जो हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे। देखिए विधायक जी अपने जवानी पे आ गए हैं, ये देखिए किक ये हुआ, ये आप देख रहे हैं बड़े भैया सुभाष रामचंद्र वर्मा जी सीधे गोल पोस्ट पे, धन्यवाद देता हूँ। ये हुआ विधायक जी, अभी आप ताल दिया तो ताल लगा इसी तरह से अब एक ग्रुपिंग फोटो हो जाए वहाँ पे स्टेडियम में सेल्फी का नजराना दिखाते हुए ग्रुपिंग फोटो हो रहा है। ओके सर, सर तो काफी अच्छा ए भैया बैठ जाइए आप तो, जो कि छह सनराइज स्कूल बरगवा की चार गई है और जो रजगान की टीम है छह गई है, काफी अच्छा संघर्ष कर रही है रजगान की स्कूल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं मैं कुटार मौजूद हूँ, ज्योतर विधायक खिलाड़ियों से परिचय करते हुए और साथ में आयोजक आयोजक मैडम भी हैं। साथ में खेल आयोजक मैडम संगीता मौजूद हैं विधायक जी के साथ। और फोटो थोड़ा मैम आप सबको एक बार मिलना समापन हुआ कि जो हमारे यहाँ की पैथोली की भी टीम है वह कम नहीं है, आप भले ही हारे हो लेकिन आपका भी खेल आप अपने मन में ये न कहें कि मैं हार गए हूँ, आप संघर्ष करते रहिए, आप भी प्रशंसा के योग्य हैं। आप देख रहे हैं विजेता टीम के साथ विधायक जी के साथ विधायक जी का फोटो विधायक जी देखिए आप सबसे परिचय करते हुए आप रेफरी हैं मत चढ़ाओ सर ऐसे परिचय करते हुए आप सबको बताएंगे हमारे कमेंटेटर सुनील कुशवाहा बच्चों से जानकारी लेते हुए विधायक लगातार मौसम में बदलाव होता हुआ आप देख रहे हैं बच्चों से जानकारी ले रहे हैं विधायक फसलों में चमक आ गई है और वैसे विधायक जी के चेहरे पर चमक आ गई है, हमारे विधायक जी मुस्कुराते हुए बहुत ही शानदार और उनके साथ में कुटार मंडल के अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे ग्राम पंचायत कुटार सरपंच के पति और उप सरपंच सचिव एवं सभी सम्मानित वरिष्ठ परिचय प्राप्त करते हुए धन्यवाद हमारे मिलनसार युवा विधायक। बहुत ही लोगों में उत्साह युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, ये टॉस हो रहा है सर और
ऐसे विधायक विधायक द्वारा ये देखे ऊपर गया टॉस का पास सांस उल्टा चल गया। क्या बोला था फिर से करिए सर ना करा जाए टास हो रहा है। देखिए ये टेल हो गया टेल आया है आप देख रहे हैं विधायक साख संयोजक मौजूद हैं संगीता मैडम क्या है धन्यवाद एक ग्रुप फोटो हो जाए सभी लोग आओ बेटा बंद करो बहुत ही हम ले चुके हैं अब ग्रुपिंग फोटो हो रही है आप देख रहे हैं झलरी प्रदेश पड़खुड़ और थर्ड प्लेस की टीम खूंटा जोरदार अपना प्रदर्शन दिखाती है। खूंटा की टीम अपनी विजय हासिल की है। खूंटा टीम के कैप्टन को धन्यवाद जिन्होंने लगातार युवाओं को जोश भरने का काम किया है। खूंटा विजेता होते हुए अपना थर्ड स्थान पे 2023 का तृतीय स्थान का पुरस्कार गप्त स्कूल खूंटा के निश्चित रूप से ये विधायक कप में सभी खिलाड़ियों को बेहतरीन उपहार दिया जा रहा है माननीय विधायक जी के द्वारा। ट्रॉफी के साथ सभी खिलाड़ियों की बहुत बड़ी चिंता करते हुए ट्रैक सूट का भी प्रबंध किया गया है और किट का भी प्रबंध किया गया है माननीय विधायक जी के द्वारा। निश्चित रूप से चाहे कुछ कम भले रहा हो सरकार की तरफ से लेकिन माननीय विधायक जी ने अपने इन खिलाड़ियों की कितनी बड़ी चिंता किया है कि एक इन खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़े चिंता की बात है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदया के कर कमलों से और सबकी तालियां बजती रहे भाइयों तालियों में जरूर कमी न कीजिए। अगर माननीय विधायक जी आपके लिए कोई कमी नहीं कर रहे तो आप लोग भी तालियों से स्वागत जरूर करते रहे। आग्रह करूंगा कि अपना विजेता ये विधायक कप 2023 जिन्होंने अपने नाम किया है वो कबड्डी में वो अपनी ट्रॉफी और प्रमाण पत्र एवं मेडल और ट्रैक सूट प्राप्त करें। ये शिव राज बरगमा की सबको घर जाने की चिंता होगी। बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि मैं सामने पीछे से आप सब देख नहीं रहते इतना मेहनत करने वाले लोगों को देखने के सामने आया हूँ। आज जोसर विधानसभा के विधायक कप कार्यक्रम में कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही हमारे नगर परिषद की अध्यक्ष आदरणीय श्री परमिला देवी जी भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री रवि पांडे साहब आदरणीय परमिला जी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यहाँ के सरपंच आदरणीय राधा कृष्ण जी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री लाल जी शाह जी
राजकुमार शाहजी, देवनारायण शाहजी, भगवत मन नाखन शाहजी, सुदामा जी, उपेन्द्र जी, लाल प्रसाद शाहजी, मोहन शाहजी, रवि पांडे जी, सभी कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर आयोजित सभी अतिथिगण, जनक सोनी जी भी बैठे उपस्थित हैं, आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत हमारे खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाओं के साथ आपको बधाई देना चाहता हूँ। लगातार विधायक कप आप ऐसे मत सोचिए कि विधायक कप ऐसे ही कोई खेला जा रहा है, विधायक कप मतलब आप प्रशासनिक भाव में आ गए हैं। निश्चित ही हमारा देवसर विधानसभा, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने, इन्होंने कहा कि हमारे एक युवा खिलाड़ियों की चिंता अगर किसी ने करना है तो युवाओं के प्रति आगे बढ़ाने का काम करिए। आज इस खेल के माध्यम से मैं देख रहा था कि फुटबॉल का जो खेल हो रहा था, उस फुटबॉल के खेल में हमारा ग्रामीण अंचल से झलड़ी वाले भाइयों को, हमारे पिछड़ी वाले भाइयों को, चाहे हमारा उप विजेता हो चाहे विजेता हो, अगर उप विजेता नहीं होता तो विजेता नहीं होती। हमारे खिलाड़ियों के लिए मैं सीएम रेस के विद्यालय लेना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार जो देवसर विधानसभा का विधायक का कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैंने ऐसा नहीं कि मैं रजमीलाल बगवा भर की चिंता करी, हमने देवसर विधानसभा के प्रत्येक सभी पंचायतों की टीमों को लाने का काम किया है। निश्चित ही हमारे जो खिलाड़ी है, हमारा खेल के माध्यम से अपना अपना अनुभव जिस तरह दिखाया है, निश्चित ही जो जीत आप लोगों को मिली है, आने वाले समय में, विगत आने वाले वर्षों में भी अगला जो भी कार्यक्रम होगा, उस खेल के माध्यम से हमारा कोई युवा खेल का कोई क्रिकेटर होगा या फिल्म सिटी का सेलिब्रिटी होगा, अगले बार कार्यक्रम में आएंगे। बहुत बहुत बधाई दे सीएम राज की बहनों, सीएम राज की बहनों को मैं बधाई देती हूँ। सीएम राज की बहनों की चिंता हम दूर करने जा रहे हैं, दूर करने जा रहे हैं। सीएम राज ऐसा नहीं बरगवा पर ही है, सीएम राज बरगवा के अलावा रजमिलान में भी बनने जा रहा है, इसके अलावा मौड़ा में भी बनने जा रहा है, इसके अलावा सराई में भी बनने जा रहा है। सीएम राज के विद्यालय के जो लाख रुपए में जिसने टेंडर पाया वो काम वही शुरू करने जा रहा है। एनसीएल की तरफ से हमने 300 स्टेडियम के लिए अलग से पैसा मांगा था, जिसमें पौड़ी नौगई भी है, उसमें हमारा पिरखुड़ी गांव भी है, इसमें सराई भी है, सराई को